जींद में वाहनों की चेकिंग को लेकर स्वयं डीएसपी परमजीत सिंह समौता सड़क पर दौड़ते नजर आए। पुलिस से बचकर भाग रहे अवैध वाहनों को डीएसपी ने पीछे दौड़कर रोका और बस स्टैंड पर आने जाने वाले वाहन चालकों को चेक किया। वाहनों की चेकिंग के साथ साथ चालान भी काटे गए। ऑटो बस की छतों पर बैठने वाले स्कूल कॉलेज छात्र दो पहिया व चार पहिया वाहनों के कागज चेक किए। कई वाहन चालकों को टैरिफ का रूल के लिए जागरूक भी किया गया। पुलिस को देखकर भागने वाले ऑटो व कार चालकों का डीएसपी ने भागकर वाहनों को रुकवाने के बाद कमी पाए जाने पर चालान भी काटे। बस स्टैंड रानी तालाब एसटी स्कूल के पास सफीदों गेट के आसपास भी वाहनों की चेकिंग की गई। कार पर लगी ब्लैक फिल्म कार के भी चालान किए गए। डीएसपी ने बस की छतों पर बैठकर सफर करने वाले छात्रों को बस स्टैंड के बाहर बसों से नीचे उतारा तथा चेतावनी देकर समझाया कि भविष्य में इस प्रकार का अपनी जान के साथ खिलवाड़ न करें। डीएसपी परमजीत सिंह समौता ने अपनी टीम में मौजूद यातायात थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह, एएसआई नरेश कुमार, एएसआई मेवा सिंह के साथ व अन्य स्थानों पर दो पहिया व चार पहिया वाहनों की चेकिंग कर 110 छोटे बड़े वाहनों के चालान भी काटे व एक ऑटो, तीन ब्लैक फिल्म लगी कार, एक मोटरसाइकिल को इम्पाउंड भी किया गया है। देखिए जींद से हमारे संवाददाता परमजीत की एक रिपोर्ट। ये स्पेशल चेकिंग का अभियान चला है। शहर में जितने भी ऑटो हैं जो विदाउट डॉक्यूमेंट है उनके स्टॉल किए गए हैं, और जो सरकारी और प्राइवेट बसों की छतों पे जो बैठते हैं उनको भी नीचे उतारा ताकि उनको बताया गया भाई ऊपर बैठना आपके लिए हानिकारक है। और स्पेशल जो भी ऑटो वगैरह और टैक्सी इनके चलान किए गए हैं। हाँ जी, ब्लैक फिल्म जो भी तीन चार छः पाँच गाड़ियाँ मिली हमें और उनको इम्पाउंड, किसी अगर डॉक्यूमेंट नहीं थे उनको इम्पाउंड भी किया गया और उनकी ब्लैक फिल्म उतारी भी गई और उनको अवेयर भी किया गया कि भाई ब्लैक फिल्म लगाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है।